हाय फ्रेंड्स, आई एम हरविंदर सिंह गरेवाल। ये हमारी जो सीरीज चल रही थी अपार्टमेंट्स डॉग पर, ये हमारा उसका सेकंड वीडियो है। जैसे आप जानते ही हो फ्रेंड्स कि लास्ट वीडियो में हमने टॉप 8 ब्रीड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जो अपार्टमेंट में कंफर्टेबली रह सकते हैं रेस्ट ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हम फ्रेंड्स करते हैं मिनिएचर पिंचर ब्रीड से। ये ब्रीड टॉय ब्रीड है, बहुत लवेबल है, प्लेएबल है। ये लगभग जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अबाउट चोवा, ये लगभग वैसा ही है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग ये हैं, अगर हम इतिहास की बात करें तो ये ब्रीड वजूद में आई जर्मन पिंचर से मिक्स किया गया इटालियन ग्रेहाउंड्स को या फिर डैशहाउंड को। फ्रेंड, ये उन ब्रीडों में है जो कि आप अडल्ट डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी ही अपने आप को नई फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। माय फ्रेंड, ये बहुत एक एनर्जेटिक डॉग है, इसको एक टाइम या दो टाइम वॉक कराना बहुत अनिवार्य है। और एक थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब हम इसको कोई चीज़ ट्रेनिंग करते हैं, कुछ सिखाते हैं, ये सीखने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो ट्रेनिंग देते समय आपको आपका पेशेंट लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो दूसरी ब्रीड की हम बात कर रहे हैं माय फ्रेंड, वो है माल्टीज। आप नाम से ही पहचान कर सकते हो कि ये माल्टा से बिलोंग है। इसके वैसे अगर नाम की बात करें, दो तीन अलग नाम हैं। एक इसका नाम है माल्टीज डॉग, और एक दूसरा नाम है इसका माल्टीज टेरियर, और थर्ड इसका नाम है रोमन लेडीज डॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ज़्यादा अमीर रॉयल फैमिली राजघराने का डॉग माना जाता है। इतना प्यार करते हैं कि इसकी याद में मकबरे तक इसकी याद में बन चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसके चर्चे ग्रीक, जिसको आजकल ग्रीस कहा जाता है, एंड इजिप्ट, जिसका पुराना नाम मिस्र हुआ करता था, उनकी हिस्ट्री में भी इनका नाम आता है। इस ब्रीड को इंग्लिश मूवी इंडस्ट्री और हिंदी मूवी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे दिग्गज सितारों ने इनको अपना पेट बनाया है। छोटे साइज के होने के बावजूद भी ये प्यार वफादारी में किसी भी बड़े डॉग से पीछे नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा फुर्तीले होने के कारण कभी कभी ये उछल कूदना इतना पसंद करते हैं कि अपने आप को ही चोट पहुँचा लेते हैं। अगली अपार्टमेंट ब्रीड जो है वो उसका नाम है लासा एप्सो। लासा जो है तिब्बत की राजधानी है, इसका नाम लासा वहाँ से हुआ। एप्सो का मतलब होता है दाढ़ी, ये डॉग के दाढ़ी होती है, तो इस कारण इसके नाम के साथ ये एप्सो वर्ड भी जोड़ा गया। बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि किसी देश या स्टेट की राजधानी पर डॉग का नाम हो। बौद्ध धर्म में इस डॉग को बहुत ही ऊँचा दर्जा दिया गया है। वहाँ के जो ऋषि मुनि थे बौद्ध धर्म के, वो जब भक्ति करते थे तब ये डॉग को अपने पास एक जो छोटा सा मठ था उसके अंदर रखते थे। एक तो इस पर इतना ट्रस्ट करते थे कि कोई आता था तो ये डॉग उनको अलर्ट करता था, और दूसरी बात जो इस डॉग को एक अलग ही श्रेणी में रखती है, उसका ये कहानी है कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो इसको इतना सत्कार, इतना रिस्पेक्ट करते हैं इस डॉग की, क्योंकि वो ये मानते हैं बौद्ध धर्म के जो भी बड़े ऋषि मुनि धरती में अवतार लेने से पहले लासा एप्सो के रूप में आते हैं। और एक किस्सा इस ब्रीड के बारे में और भी है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो स्नो लॉयन यानी कि बर्फ वाला शेर है वो उनकी रक्षा करता है बुरी चीज़ों से, बुरे समय से। और हर एक कहानी में स्नो लॉयन के साथ लासा एप्सो भी होता है। तो इसलिए माय फ्रेंड, बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं, सेलेब्रिटीज, नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल लासा एप्सो को घर में रखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग भरा डॉग एंड फुल ऑफ पॉजिटिव वेव्स के साथ है। अगली ब्रीड है माय फ्रेंड बॉस्टन टारियर। बॉस्टन टारियर वैसे तो अमेरिका बहुत सारी ब्रीडों का ओरिजिन माना जाता है, बहुत सारी ब्रीडों को मिक्स कर उन्होंने बहुत सारी अच्छी ब्रीडें इन्वेंट की हैं। लेकिन ये बॉस्टन टारियर अमेरिका का पहला ओरिजिन डॉग है, और अमेरिकन कैनल क्लब ने इसको अमेरिकन जेंटलमैन डॉग का भी दर्जा दिया हुआ है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन कैनल क्लब इसको बॉस्टन टारियर के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन माय फ्रेंड ये जो टारियर कैटेगरीज आती है डॉग की, ये उस श्रेणी में नहीं आता। आई मीन टू से ये टारियर ब्रीड्स नहीं है। फ्रेंड, ये ब्रीड बहुत ही फुल ऑफ फन, खेलना कूदना, अनदर पैट्स के साथ जल्दी से ज्वाइन हो जाना,
इनकी एक और खासियत ये है कि ये अपने मालिक या फैमिली मेंबर के अलावा कहीं नेबर रिलेटिव्स अगर वो आपके घर में आएंगे तो ये थोड़ा सा उनको संदेह की नज़र से देखेंगे। आप इसको जेलोसी भी कह सकते हैं और या फिर अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी। ये ब्रीड बिना बात के भौंकना ज़्यादा पसंद नहीं करती और अगर खेल कूद की बात करें तो ये इतने एक्टिव या इतनी जल्दी सीखने वाली ब्रीड है कि आप अक्सर ये ब्रीड को देखा गया है कि स्केटबोर्डिंग भी बड़े आसानी से सीख जाते हैं। बच्चों के साथ खेल कूदना, समय व्यतीत करना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि क्यों अपार्टमेंट में ये डॉग रखना सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। तो आज की वीडियो के आखिरी जो अपार्टमेंट डॉग हैं वो हैं बीगल। बीगल माय फ्रेंड ये काफ़ी पुराना हिस्ट्री डॉग है। ये भी इसकी हिस्ट्री लगभग 2500 साल पुरानी है। इसका मॉडर्न नाम इंग्लिश बीगल भी है। उसका कारण ये है कि जो मॉडर्न बीगल है वो 1830 में टेलबर्ट हाउंड एंड सदर्न हाउंड एंड तीसरी ब्रीड है नॉर्थ कंट्री बीगल। पुराने जो बीगल थे वो काफ़ी छोटे थे, 8 या 9 इंच के लगभग। तो पुराने जो बीगल थे उसको लोग बड़े आसानी से, बड़े आराम से पॉकेट में रखकर भी घर से चल लेते थे। तो इसीलिए इसका पुराना नाम पॉकेट बीगल या मिनिएचर बीगल। फ्रांस में बीगल का एक अलग ही नाम है लाउड माउथ। वो शायद इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि इसकी गुराने की आदत या ज़्यादा बार्किंग, भौंकने की आदत का भी एक रीज़न हो सकता है। क्वीन एलिजाबेथ के पास पुराना पॉकेट बीगल था और फिर उनके राज्य में ही मॉडर्न बीगल भी होंद में आए और मॉडर्न बीगल को ज़्यादा पॉपुलर करने में क्वीन एलिजाबेथ का बहुत बड़ा हाथ है।